राम राम भाई सारे ने। तो साल 2023 जाते जाते सैमसंग ने एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है और ये फोन होने वाला है सबसे कम प्राइस का 5G फोन, आपके बजट के अकॉर्डिंग फोन होने वाला है। तो आज हम सैमसंग A15 5G का अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं आपके लिए। तो लेकर आते हैं A15 5G, तो ले आए हैं हम आपके लिए सैमसंग A15 5G और ये काफी सज धज के आया है क्योंकि नया फोन है। तो इसका अनबॉक्सिंग हम जल्दी से आपको करके दिखा देते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अभी आईफोन के जो भी यूजर्स हैं, जो भी आईफोन खरीद रहे हैं, तो आपने देखा होगा आईफोन खरीदते टाइम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आईफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखते हैं, जिसमें सील ओपन के वीडियो दिखते हैं। तो सैमसंग ने भी अपने आप को अपडेट किया है और इस बार ऐसी सील की अनबॉक्सिंग दी है जिससे कस्टमर ये वाले वीडियो सैमसंग के साथ में बना सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ सबसे पहला वीडियो जिसमें आपको ये सील ओपनिंग का वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये काफी अच्छी फील हुई है मुझे भी कि मैंने नया फोन खरीदा है। तो ये अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग A15 का। काफी अच्छी पैकिंग आई है गाइज, ये तो अच्छी लग रही है मुझे भी। ये निकालते हैं देखो फोन। तो गाइज हमने मंगाया है लाइट ब्लू कलर का सैमसंग A15 5G। तो पहले फोन को छोड़ देते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। बॉक्स में मुझे दिखने में मिला है एक ये नॉइस पिन मिली है जिसे आप सिम इंजेक्टर बोलते हैं, जिसको आप सिम निकालने के लिए काम में लेने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, ये गाइस ये सबसे अच्छी चीज़ है सैमसंग की, मुझे बहुत अच्छी लगती है C2C डाटा केबल, जो कि सैमसंग की काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है और 100% फास्ट चार्जिंग में आपको सपोर्ट करने वाली है। इसके बाद इसमें मिलने वाले हैं कुछ कागजात, गाइस वैसे इनका कोई ज़रूरत होता नहीं है क्योंकि ये सारा तो मैं आपको वैसे ही बता देने वाला हूँ। तो इसके बाद में मेरे को बॉक्स में कुछ दिखने वाला नहीं है क्योंकि सैमसंग चार्जर देता नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं सैमसंग के A15 5G का। हमने मंगाया है इसका लाइट ब्लू कलर, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और पीछे से मैट है, ग्लास पैटर्न में है, मैट ग्लास पैटर्न में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ सैमसंग ने सबसे अच्छी अपडेट करी है वो है इसका साइड क्रोम, वो आईफोन वाले लुक में दिया, बिल्कुल स्क्वायर कर दिया इसे और मैट टाइप का लुक आया है, प्लास्टिक कोटेड बट काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिखने में। एक और अच्छी चीज़ सैमसंग ने की है वो ये है कि ये दोनों बटन के वहाँ पे एरिया को थोड़ा सा उभार के रखा है ताकि बटन का फील काफ़ी अच्छा आ जाए। इसमें सैमसंग ने दिया है जो पावर की है वही फिंगर वाला बटन रहने वाला है, एक अप एंड डाउन बटन आ गया वॉल्यूम का और ये सेकंड माइक आ गया इधर ऊपर की साइड में। तो इस साइड आपको मिलने वाला है सिम स्लॉट, जिसको मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ कि उसमें आपको कैसे लगा पाओगे। तो गाइस इसमें आप या तो दो सिम एक टाइम में यूज़ कर सकते हो या एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, तीन आइटम एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं गाइस, इससे तो चल जाएगा काम। इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सैमसंग ने बैक नीचे के साइड में दिया है 3.5 mm का एक हैंड फ्री जैक, टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट आपको मिलने वाला है। स्पीकर का होल थोड़ा सा सैमसंग ने बड़ा किया है क्योंकि काफ़ी डस्टिंग की प्रॉब्लम्स आती है, कस्टमर्स को आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होने वाले गाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब बात करते हैं सैमसंग के LCD की। तो इसमें सैमसंग ने यूज़ किया है 15.39 सेमी का सुपर अमोलेड LCD जो कि आपको 120 मेगाहर्ट्ज के साथ में मिलने वाला है और वो भी गोरिल्ला ग्लासेस के साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस प्राइस में, 19,000 की प्राइस में सैमसंग सुपर अमोलेड LCD देने वाला है। इससे आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं और साथ में गेमिंग जो बंदे खेलते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि जैसे पबजी के ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही कूल आने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि LCD बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपको साथ में मिलने वाला है इसमें 5000 mAh का बैटरी, जो आपको एक दिन तो कहीं पे भी परेशान नहीं करने वाला है, हो सकता है दो दिन भी आप अगर नॉर्मल यूज करते हो तो दो दिन तक बैटरी बैकअप होने वाला है इसका। और उसको चार्ज करने के लिए सैमसंग देता है 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, जो कि चार्जर आपको नहीं मिलने वाला है, केबल चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन 25 वाट का चार्जर आपको 45 मिनट में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। तो सैमसंग ने इस प्राइस में काफ़ी अच्छा फोन निकाला है और मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया है। तो आप भी अगर ये लेना चाहते हो तो इसमें मिलने वाले आपको दो वेरियंट, 8128 और 8256। साथ में आपको मिलने वाले इसमें चार कलर, एक मिलने वाला आपको लाइट ब्लू, एक मिलने वाला वाइट, एक मिलने वाला लाइट ग्रीन, एक मिलने वाला सुपर ब्लैक। तो ये चार कलर के साथ में सैमसंग ने ये फोन लॉन्च किया है। तो जल्दी से जाएं अपने नियरेस्ट स्टोर पे और सैमसंग A15 5G लेके अपने आप को अपग्रेड करें।
तो ये सारे अपडेट्स के लिए सबसे पहले आप जाएं और टेक आर्यन को सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि हमारी ऐसे इंफॉर्मेशन की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अब मैं बात करता हूँ सैमसंग के कैमरा की। इस फोन में सैमसंग ने 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज किया है जो काफी अच्छा है। तो मैं देखता हूँ कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले मेरी फोटो खींच के देखता हूँ तो ये काफी अच्छी फोटोज है गाइस, काफी अच्छी फोटोज आई है इसमें। और साथ में सैमसंग ने इसके बैक कैमरे में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल रेयर कैमरा दिया है जिससे आपको पोर्ट्रेट में भी काफी अच्छी फोटोज आने वाली है। तो चेक कर ही लेते हैं यार, मैंने खींची है ये फोटो तो काफी अच्छी लग रही है यार। ये पोर्ट्रेट मोड वाला तो फोटो सबसे सुपर आया है। तो सैमसंग ने इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा दिया है, ये भी काफी अच्छा है। तो ये सारे अपडेट्स के लिए सबसे पहले आप जाएं और टेक आर्यन को सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि